नमस्कार। जन्म लगन से चतुर्थ भाव में जब सूर्य होता है तो उसका क्या फल होता है शास्त्रों में, ये मैं आपके समक्ष बताऊंगा। आप गंभीरता से सुनेंगे। चतुर्थ भाव में जब सूर्य होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शोभायुक्त और अधिकार प्राप्त करने वाला होता है। उसके पास कई प्रकार के सुख साधन रहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको प्राप्त करने पड़ते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने भाई और बंधुओं से, अपने परिवार में, क्योंकि चतुर्थ भाव घर का और परिवार का भी है, मकान का भी है, तो उनके साथ सुख में कुछ बाधाएं परेशानी आती हैं। परदेश में निवास करने वाला सूर्य क्या है, डिटैचमेंट करा देता है अपनी दशा में या चतुर्थ भाव में बैठकर, वहाँ से दूसरे स्थान पर पलायन करके जाता है और बाहर जा कर के निवास करता है, नया मकान बनाता है, युद्ध में शत्रुओं को पराजित करता है और अपमानित भी होना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन इसका जो समय, ऐसा हर समय इसका मन अशांत चंचल चित्त वाला बना रहता है, शांत चित्त नहीं रहता। इसके मन में हमेशा घबराहट, चिंता, अशांति, टेंशन, एंजाइटी और एक परेशानी के भाव, उद्विग्नता, बेचैनी के भाव बने रहते हैं। राज्य सरकार की ओर से या सरकार से, राजा के खानदान से या बहुत बड़ी बड़ी फैमिली, आज की डेट में जिसके पास बहुत पैसा है, गिने चुने जो उंगलियों में गिन सकते हैं, ऐसे राजा के खानदान के पास जा कर के नौकरी करता है या उनसे धन कमाता है, बड़ी बड़ी संपदाएं जो रखता है देश के अंदर, उसका ये नौकर होता है, उनके घर में काम करता है और उनके सम्मान भी पाता है। धन का अभाव फिर भी बना रहता है, लेकिन काम चलता रहता है। सुख में कमी महसूस होती है, एक जगह टिक कर नहीं रह पाता चतुर्थ भाव के सूर्य वाला व्यक्ति। लगन से चतुर्थ सूर्य क्या करता है, चित्त को अशांत करता है और बुरे व्यक्तियों की संगति में ऐसे व्यक्ति को रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाता, इम्प्रेस नहीं कर पाता, साधारण व्यक्तित्व होगा और जो सब्जेक्ट बोलने वाला है कहीं अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी प्रतिभा को एक्सपोज करना है तो नहीं कर पाता। भूमिहीन, संपत्ति को नष्ट करने वाला, अगर उसके पास कई हेक्टेयर भूमि भी है, अगर दादा इलाही या पूर्वजों की संपत्ति, तो उसको बेच देता है या नष्ट कर देता है, बेच करके ही उसको अस्त व्यस्त कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं रहता, बिना प्रसन्नता के ही व्यर्थ इधर उधर भ्रमण करता रहता है, बिना किसी प्रयोजन के किसी भी स्थान पर चला जाता है, बाद में सोचता है मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए था, व्यर्थ जाता है। उसकी जो यात्राएं हैं बहुत सारी व्यर्थ जाती हैं। बंधु और बांधवों से, उनके सुख से वंचित रहता है। लोकप्रिय और सर्वजन प्रिय, क्योंकि ये आदमी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए लोकप्रिय कहलाता है। और सर्वजन प्रिय, जहां भी जाएगा लोग इसको काम बताएंगे, ये उनके काम करेगा, युद्ध में आगे होकर लड़ता है, पीठ कभी नहीं दिखाता। 22 वर्ष की अवस्था में, 22 साल की एज में इनके सब काम धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति, ऐसा जातक, ऐसा मनुष्य सुप्रतिष्ठित हो जाता है। उसकी नौकरी लग जाती है या व्यवसाय ऐसा करेगा जिसमें उसको लोकप्रियता मिलेगी। आयु के अंतिम भाग में, जीवन में, तो युवावस्था ठीक रहेगी, और जो वृद्धावस्था है आयु के अंतिम भाग में,
उसे यश की प्राप्ति होती है। मान सम्मान होगा, किसी किसी सभाओं में बुला करके उसके गले में माला डाली जाएगी, कहीं कहीं उसको फीता काटने का अवसर मिलेगा। अगर सूर्य के साथ अच्छे पाप ग्रहों की युति है तो आपने देखा होगा साल में पद्मश्री पद्म भूषण इनाम मिलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का नाम राज्य सरकार रिकमेंड करके संस्तुति करके केंद्र सरकार के पास भेजती है और उसको सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त होता है। लेकिन चतुर्थ भाव में अगर सूर्य है और कुंभ राशि में है तो बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन और अधिकांश ग्रह ये बताते हैं कि उस व्यक्ति का अपने पिता के साथ विरोध अवश्य रहेगा। क्यों? पिता का कारक होता है सूर्य और उसकी दृष्टि पिता स्थान पर होगी चतुर्थ भाव में, तो पिता के साथ सामान्य बर्ताव नहीं होगा, असमानता रहेगी विचारों में पिता के साथ। सारांश की बात यह है, ऐसा व्यक्ति चतुर्थ स्थान में जिसके सूर्य होता है लगन से, ये ऐसा व्यक्ति सूर्य की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अपने घर को, निवास को छोड़कर परदेश या अन्य किसी देश में या प्रदेश में जाकर निवास करता है और वहीं अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन और कोई ऐसा नया व्यापार या नौकरी करता है जिससे उसकी कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा उसी क्षेत्र में फैल जाती है और वहाँ के लोग उसको सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। ये चतुर्थ भाव का फल है। धन्यवाद। नमस्कार।